सोनिया ठाकुर, आप देख रहे हैं मेंट्री न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मैनपुरी में कानून व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त अनिल कुमार व पुलिस उप महानिरीक्षक ने समीक्षा बैठक की। देखिए हमारे संवाददाता सतेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी में आज मंडलायुक्त अनिल कुमार व उनके साथ पुलिस उप महानिरीक्षक लव कुमार ने मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में बने सभागार में कानून व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों को जिले के सभी उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व अपने क्षेत्र के भ्रमण कर चुके हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है, साथ ही अर्धसैनिक बल पर्याप्त मात्रा में है। चुनाव जाएगा दरमियान व्यवधान करने वालों को लोगों को चिन्हित कर सूची तैयार कर ली गई है, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा ने कहा प्रत्येक जिले में जाकर कानून संबंधी चुनाव से संबंधित तैयारियों के चलते आज जनपद में आए हैं। लव कुमार पुलिस महानिदेशक आगरा आज मैनपुरी में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा को की गई। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में घूम चुके हैं, साथ ही बड़ी संख्या में शस्त्र जमा हो चुके हैं, चुनाव संबंधित सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मैनपुरी। कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की? देखिए मेरे और मंडलायुक्त महोदय के द्वारा प्रत्येक जिले में जाकर कानून व्यवस्था और चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। उसी के क्रम में आज जनपद मैनपुरी में हम लोग आए थे। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हमारे पास मौजूद रहेगा, अर्धसैनिक बल समय से जो कंपनीज हैं वो आ जाएंगी तो वो भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। इलेक्शन की तैयारियों की अगर बात करें तो जो हम लोगों ने समीक्षा की उसमें तैयारियां लगभग अच्छी स्थिति में हैं। जो ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं वो प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं, निरोधात्मक कार्रवाई भी पर्याप्त संख्या में की गई है। दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उस दिन जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे सभी लोगों की सूची एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा चिन्हित कर ली गई है, सूची बना ली गई है और ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और न केवल उनको लिखा पढ़ी में पाबंद किया जाएगा बल्कि चुनाव के दिन भी उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। रेस्पॉन्स टाइम में सर क्या टाइम पीरियड कुछ रखा गया है? देखिए रेस्पॉन्स टाइम कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनकी स्थिति पर निर्भर करता है, प्लस भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। पर जो 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 हम लोगों ने प्लान किया है वो क्षेत्र के और दूरी के हिसाब से 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या प्रशासन की तैयारियाँ? प्रशासन और पुलिस की तैयारी बहुत अच्छी है और हम लोग हर एक जिले में जाके समीक्षा कर रहे हैं। तो आज मैनपुरी में हम लोगों ने समीक्षा करी, इसमें जो इलेक्शन रिलेटेड जो इश्यूज हैं और जो कानून व्यवस्था को लेकर जो इश्यूज हैं उसकी समीक्षा की गई। तो सभी चीज़ें ऑन टाइम चल रही है। एक एक बार सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपने सेक्टर्स का विजिट कर लिया है, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है और प्रिवेंटिव एक्शन जो कार्रवाई करनी है वो भी काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में असले वगैरह भी जमा कराए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सारी तैयारियाँ जो है वो अच्छे तरीके से चल रही है।